तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं जो है 599 के एयरटेल के प्लान को लगवा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों मेरे पास दो ऑप्शन थे, चाहे मैं दोस्तों एयरटेल का एयर फाइबर लगवा लूँ या फिर दोस्तों मैं एयरटेल का 599 का एक्सट्रीम फाइबर कनेक्शन भी लगवा सकता हूँ। दोनों की जो कॉस्ट है दोस्तों मेरे को बिल्कुल सेम पड़ रही है। फर्स्ट स्टेप जितना भी खर्चा आपका आने वाला है दोनों में सेम आपको पड़ने वाला है। तो मैंने दोस्तों जो डिसाइड किया है, मैं एयर फाइबर नहीं लगवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। बिकॉज मैं ऑलरेडी जियो का एयर फाइबर लगवा के इसकी स्पीड वगैरह प्रॉपर चेकआउट कर चुका हूँ, ठीक है। तो एयर फाइबर के अंदर आपको उतना मतलब कि स्टेबल इंटरनेट नहीं मिलता भाई, ठीक है। तो मैंने दोस्तों डिसाइड किया कि मैं 599 के प्लान को लगवाऊंगा। अब यहाँ पे दोस्तों मेरे पास दो ऑप्शन है, ठीक है। या तो दोस्तों मैं देखो 599 के प्लान को 3300 रुपये टोटल खर्च करके जो है पूरे 5 महीने के लिए अपने घर पर इंस्टॉल करवा सकता हूँ, जिसके अंदर दोस्तों मेरे को जो है इंटरनेट मिल जाएगा, यानी कि वाईफाई मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको डाटा अनलिमिटेड मिलेगा, ठीक है। एक्सट्रीम फाइबर कनेक्शन का बेनिफिट मेरे को सबसे ज्यादा यही लगा कि आपको अनलिमिटेड डाटा मिलेगा। एयर फाइबर लगवाऊंगा तो खर्चा सेम आ रहा है, बट डेटा जो है सिर्फ 1000 GB मिलेगा आप लोगों को। तो यहाँ पे दोस्तों अनलिमिटेड कॉलिंग की फैसिलिटी भी मिल जाएगी, मुझे सिर्फ एक बॉक्स लेना पड़ेगा, लैंडलाइन फोन लेना पड़ेगा, तो उसे अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिल जाएगी। तो दोस्तों जो स्पीड मिलेगी आप लोगों को इस प्लान के अंदर वो है 30 MBPS की, ठीक है। यानी कि अप टू 30 MBPS की स्पीड मिलेगी, बट आपको नियर अबाउट वाला 35, 36 या फिर 40 MBPS की स्पीड जो है एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्शन प्लान के अंदर आपको प्रोवाइड कर देगा। बाकी दोस्तों चैनल्स मिलेंगे आप लोगों को, यानी कि सेटअप बॉक्स मिलेगा, सेटअप बॉक्स के साथ आप जो है 350 TV चैनल देख सकते हैं, और साथ में दोस्तों यहाँ पर OTT ऐप का बंडल भी आपको देखने को मिल जाएगा। बट कौन कौन सी एक्चुअल में OTT ऐप मिलती है, वैसे तो इन्होंने यहाँ पे प्लान के अकॉर्डिंग बता रखा है, बट एक्चुअल में मिलती कौन सी है वो आफ्टर इंस्टॉलेशन ही मैं आप लोगों को एक्चुअल बता पाऊंगा दोस्तों, ठीक है। और कौन कौन से चैनल्स आप लोगों को मिलते हैं, तो इस प्लान को दोस्तों कैसे आपने बुक करना है, ठीक है, एंड टोटल खर्चा कितना आएगा दोस्तों आप लोगों का, आपको कोई बुकिंग चार्जेस देने या फिर नहीं देने हैं, या फिर कोई दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे हिडन चार्जेस है या फिर नहीं है, लाइक आपको कोई वायर का चार्जेस तो नहीं देना पड़ेगा, तो डिटेल में जो है इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड दोस्तों लाइव 599 के प्लान को दोस्तों मैं यहाँ पे बुक भी करने वाला हूँ, कैसे आगे आपको प्रोसेस करना वो भी इस वीडियो के अंदर कंप्लीट बताने वाला, बस वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम PC पे आ चुके हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर दोस्तों सर्च करना है किसी भी ब्राउजर के ऊपर, आपको नॉर्मली एयरटेल सर्च कर लेना है, या फिर दोस्तों आपको पूरा यहाँ पे मेंशन कर देना एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर। तो मैंने यहाँ पे एयर फाइबर मेंशन किया होता पहले दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे आप प्लान भी मेंशन कर सकते हो ताकि आपको वहाँ पे पूरी डिटेल देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों पहले ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे ये डायरेक्ट सिर्फ आपको जो पुराने वाले इनकी वेबसाइट्स पे जो प्लान वगैरह शो होते हैं वो दिखाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। बेसिक प्लान जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे 499 का है, जिसके अंदर 40 MBPS की स्पीड ये प्रोवाइड करते हैं, अनलिमिटेड कॉलिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं, बट यहाँ पे कोई चैनल्स या फिर OTT ऐप नहीं मिलती है, क्योंकि इस प्लान के अंदर कोई आपको जो है सेटअप बॉक्स नहीं प्रोवाइड किया जाता। अब यहाँ पे दोस्तों अगला जो इनका प्लान है वो 100 MBPS वाला है, सिर्फ यहाँ पे ऐसे दो ही प्लान दिखाता जो कि 799 का है। तो हमें यहाँ पर नहीं जाना है, हमें जाना दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपका दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ब्रॉडबैंड के ऊपर। उसके बाद आपको व्यू प्लान पे जाना है। व्यू प्लान पे आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे इनके जितने भी प्लान है वाईफाई के वो आपको शो कर देंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 499 का प्लान है जो कि मैंने आपको बताया, जिसको आप 6 महीने और 12 महीने के लिए ले सकते हो। दोस्तों हम लेने वाले हैं 599 का प्लान। अब 599 के प्लान के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि अप टू 30 MBPS की स्पीड दी जाएगी, 350 आपको TV चैनल्स मिल जाएंगे, HD इसके अंदर इंक्लूडेड होंगे। अब वो HD चैनल कौन कौन से होंगे तो मैं आपको डिटेल में बाद में बता दूं दोस्तों, ठीक है, आफ्टर इंस्टॉलेशन। तो इंस्टॉलेशन की पूरी वीडियो आपको कंप्लीट मिल जाएगी। डिस्नी प्लस हॉटस्टार, 20+ OTT, यानी कि डिस्नी प्लस हॉटस्टार भी मिलेगा, तो यहाँ पर 20+ OTT ऐप मिलेंगी। साथ में दोस्तों इसके अंदर आपको एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर का जो है मतलब एक्सट्रीम प्ले का एक इनकी ऐप है, वो OTT बंडल है बेसिकली, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगा। तो उसके अंदर भी दोस्तों आपको काफ़ी ऐसी OTT ऐप देखने को मिल जाएंगी जिनको आप यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे, बट उससे अलग आपको कितनी OTT ऐप ये प्रोवाइड करेंगे एक्चुअल में वो इन्होंने यहाँ पे प्रॉपर मेंशन नहीं किया, सिर्फ इन्होंने मेंशन किया डिस्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर। तो यहाँ पे इस प्लान को दोस्तों यहाँ पे इन्होंने कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं कर रखा है कि आप इसको मतलब कि कितना खर्चा आपको देना है, कितना प्राइस है आगे, टोटल मतलब कितना खर्चा है, कुछ नहीं बताया हुआ है। तो ये चीज़ अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों आपको जब आप बुकिंग डाल दोगे ना, तो बुकिंग सबसे पहले देख लेते हैं कि बुकिंग कैसे करनी है, यानी कि प्लान को कैसे लेना है। तो इसके लिए दोस्तों हम बाय नाउ पे क्लिक करते हैं। तो बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो आप इस पेज पे पहुंच जाते हो। तो यहाँ पे दोस्तों हमें जो है, जैसे हमने क्वेरी वैसे ऑलरेडी हमने डाली हुई, तो मैं दोबारा से डाल रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर डालना है आपको अपना, यहाँ पे अपना नेम डाल देना, फुल नेम दोस्तों। उसके बाद एड्रेस जहाँ पे आप लगवाने की सोच रहे हैं, तो यहाँ पे वो प्रॉपर एड्रेस आपको मेंशन करना है। कई बार क्या होता है कि आपने यहाँ पे एड्रेस तो मेंशन कर दिया, लोकेशन अलाउ कर देना, तो जो भी आपके आसपास नियर अबाउट एग्जैक्ट कुछ लैंडमार्क होगा वो आपको यहाँ पे दे देना है, तो एग्जैक्ट लोकेशन आपकी आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपके घर पर जो है एयरटेल एग्जीक्यूटिव की कॉल आएगी, ठीक है।
उसके बाद दोस्तों आपके घर पर जो है एयरटेल एग्जीक्यूटिव कॉल करेगा, वो पूछेगा कि आपने क्वेरी डाली है, कौन सा प्लान लेना है एंड कब आपने लगवाना है, तो उस हिसाब से आपको उससे बात करनी पड़ती है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देता हूँ और यहाँ पर लोकेशन वगैरह दे देता हूँ मैं। तो गाइस इस तरह से आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अलाउ लोकेशन मैं कर दूंगा या फिर मैनुअल लोकेशन भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं अलाउ लोकेशन कर रहा हूँ दोस्तों, अलाउ दिस टाइम मैंने कर दिया। उसके बाद ये पूछा है कि आप जिस एरिया में रहते हैं तो उसके आसपास की लोकेशन आपसे उठा लेगा, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। तो एग्जैक्ट आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं। मैंने दोस्तों यहाँ पे जो है लोकेशन मेंशन कर दी है, ठीक है। बाकी दोस्तों जो भी नियर अबाउट आपके लैंडमार्क होगा आपको वो डाल देना है, तो मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन डाल दी दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं वाईफाई रिक्वेस्ट रिसीव हो चुकी है, वी विल कॉन्टैक्ट योर इंस्टॉलेशन शॉर्टली। तो आपसे दोस्तों जो है जो भी एयरटेल एग्जीक्यूटिव होगा वो कॉन्टैक्ट कर लेगा, ठीक है। एंड दोस्तों सबसे पहले मतलब कि वो आपके घर पे आएगा, जो भी आप वो घर पे लगवाना चाहते हैं या फिर ऑफिस में लगवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले वो आपकी लोकेशन पे विजिट करेगा। उसके बाद दोस्तों आप लोगों से डॉक्यूमेंट लिए जाएंगे, आधार कार्ड, इसके अलावा तो मैक्सिमम सेल्फी वगैरह होती है आप लोगों की। तो जो भी पेमेंट आपकी बनती है प्लान के अकॉर्डिंग दोस्तों वो आप लोगों से यहाँ पे एडवांस ले ली जाती है, टोटल ही टोटल। अब यहाँ पे दोस्तों जो मेरी एयरटेल एग्जीक्यूटिव से बात हुई थी, तो मेरी बात हुई थी 3300 रुपये के अंदर दोस्तों। वो कह रहे थे कि आपको 3300 रुपये टोटल पे करना है, जिसके अंदर आपको 5 मंथ के लिए जो है मतलब के प्लान दे दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि 599 का प्लान जो है आपको 5 महीने के लिए मिल जाएगा। टोटल बनता हमारा 3300 रुपये, जिसके अंदर कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस, कोई हार्डवेयर के चार्जेस या फिर कोई भी हिडन चार्जेस, केबल का चार्जेस कुछ भी नहीं है दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन ये आता है कि कुछ लोगों का जो घर है, इनके जो इनके एयरटेल के पोल्स वगैरह लगे होते दोस्तों, वहाँ से अगर आपका घर या फिर ऑफिस कुछ ज़्यादा ही दूर पड़ जाता है, ठीक है, तो क्या आपको अलग से चार्जेस देने पड़ेंगे या फिर नहीं देने पड़ेंगे केबल के? तो यहाँ पर दोस्तों जो एयरटेल एग्जीक्यूटिव है, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर आपके पास आता है एयरटेल की तरफ से, तो वो चीज़ यही बताएगा आप लोगों को। अगर उनको लगता है दोस्तों कि घर ज़्यादा ही दूर है पोल से, तो वो आप लोगों से नॉमिनल चार्जेस ले सकता है, ठीक है। यानी कि सपोज करो ये आप लोगों को 100-200 मीटर की जो केबल्स है, 100-200 मीटर की, वो मेरे ख्याल से ये प्रोवाइड कर देते हैं ईजिली। बट अगर आपका डिस्टेंस ज़्यादा ही होगा भाई, ठीक है, तो वहाँ पर हो सकता है कि आप लोगों से थोड़ा सा चार्ज ले लें, 500-1000 रुपये एक्स्ट्रा ले सकते हैं, और डिपेंड करता है कि आपकी वायर कितनी एक्स्ट्रा लग रही है, तो वहाँ पे आप लोगों को देखना पड़ेगा। अदरवाइज कोई भी केबल का चार्जेस, कोई भी हार्डवेयर चार्जेस या फिर इंस्टॉलेशन चार्जेस इन्होंने नहीं लेने हैं। फिलहाल दोस्तों आप सबको पता है कि यहाँ पर एयरटेल, जियो एंड वीआई के ऊपर काफ़ी तगड़ा मतलब कि भाई एक तरह से कॉम्पिटिशन चल रहा है, ठीक है, क्योंकि इनको पता है कि बीएसएनएल इस टाइम ग्रो कर रहा है भाई, ठीक है। जब से इन तीनों ने अपने प्लान के प्राइस बढ़ाए हैं ना, तब से बीएसएनएल ग्रो कर रहा है, तो इसलिए ये चाहते हैं कि हमारे जो कस्टमर हैं हमसे अच्छे से जुड़े रहें, बने रहें दोस्तों। तो मैंने दोस्तों प्लान की क्वेरी डाल दी है, अब मेरे को थोड़ी देर में या फिर कल कॉल आ जाएगी, तो अगली वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी इंस्टॉलेशन दिखा दूंगा दोस्तों, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें इंस्टॉलेशन भी बता दूंगा, ठीक है, कितने देर में इंस्टॉलेशन होती है। बाकी दोस्तों टोटल खर्चा मैंने आपको बता दिया। अब बात सिर्फ रहते हैं कि कौन कौन सी ओटीटी ऐप मिलती है, कौन कौन से चैनल्स मिलते हैं एंड क्या एक्स्ट्रा फैसिलिटी आपको मिलती है, सर्विस वगैरह कैसी है, स्पीड वगैरह क्या आती है, तो वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी जल्दी दोस्तों। तो चैनल के साथ स्टे ट्यून बने रहना। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।